नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 17 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 तो देख रहे थे, यदि आपको नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को ज्यादा देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि इफ वाई इक्वल टू हम लोगों को दिया गया ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, देन सो दैट 1 - x² (dx²y/dx²-x(dy/dx) - a² (y) = 0। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन, लिखेंगे गिवन ये y इक्वल टू हमें दिया गया e टू दी पावर a और यह cos इनवर्स x। अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या मेथड है। देखिए यहाँ पे पहला मेथड क्या है कि देखिए जैसे यहाँ पे d²y/dx² है, उसको 1 - x² से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर माइनस d/dx को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर माइनस a² को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब सॉल्व करने से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए दूसरा मेथड, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx of LHS हो जाएगा d/dx of LHS यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा d/dx of RHS यानी कि e टू दी पावर a cos इनवर्स x। अब इसे आगे देखिए, d से y को मल्टीप्लाई करें dy/dx, यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हम जानते हैं कि dy/dx of e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल का तो पहले एज इट इज हो जाएगा, यानी कि e टू दी पावर a cos इनवर्स का e टू दी पावर a cos इनवर्स x इनटू, अब किसका होगा, a cos इनवर्स x का, a तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, इनटू dy/dx of cos इनवर्स x। दोस्तों याद रखिएगा कि dy/dx of cos इनवर्स x होता है -1/√1 - x². ओके, इसके जवाब लिख दीजिए -1/√1 - x². आगे देखिए हो जाएगा dy/dx = दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, e^(a cos inverse x), देखिए यहाँ पे e^(a cos inverse x) को क्या लेट कर सकते, e^(a cos inverse x) क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इसके जगह हम लोग क्या करेंगे y लिख लेंगे, ये y into a into -1 तो जाएगा -a/√1 - x², तो फाइनली ये हो जाएगा -ay/√1 - x². इससे आगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे therefore dy/dx = ये हो जाएगा -ay/√1 - x². अब दोस्त देखिए ये dy/dx का वैल्यू आ गया, अब लोग इसे इसको हम लोग देखिए, जैसे मान लीजिए इस मेथड से दिखाते हैं, एक बार और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा मेथड क्या है कि जैसे ये फ्रैक्शन में आया ना, इसको क्या करेंगे यहाँ पे नीचे में यहाँ पे 1 कर दिए और इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे। दूसरा मेथड ये रियल डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे, कैसे आएगा यहाँ पे समझिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √1 - x² ये dy/dx = -ay, देखिए यहाँ पे √1 - x² (dy/dx) = -ay। अब इससे आगे देखिए जो हम लोग प्रूफ करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 1 - x² (dy/dx² यहाँ पे लेफ्ट में क्या है 1 - x², तो दोस्तों देखिए यदि हम लोग यहाँ पे होल स्क्वायर कर स्क्वायरिंग बोथ साइड यदि कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - x² आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 - x² √ है इसका होल स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा dy/dx² = ये हो जाएगा -ay² क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - x² * ये हो जाएगा dy/dx² = माइनस का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा a² y²। अब इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए, देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था, अब हम लोग क्या करें इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए यहाँ प्रोडक्ट लगाएं ये u है और ये v है तो u को बाहर कर लीजिए,
यू को बाहर करेंगे तो हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए इसका हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये एक्स का पावर एन का फंक्शन है, यहाँ पे x का पावर n का फंक्शन है एन एक्स यानी कि 2 इंटू ये जाएगा डीवाई बाई डी एक्स का पावर n माइनस वन 2 माइनस वन तो 1 ही हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा 2 इंटू डी वाई डी एक्स इंटू अब किसका होगा डीवाई बाई डी एक्स का होगा, तो डीवाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। यहाँ फिर से दोस्तों समझिए यहाँ पे x का पावर n का फॉर्मेट है, x का पावर n का फॉर्मेट क्या होता है डिफरेंशिएशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन यानी कि 2 टाइम्स dx टू द पावर 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 * dx * dx का x से डिफरेंशिएट करें तो ये d2 / dx2 हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर * अब 1 - x2 डिफरेंशिएट करें तो 1 का तो 0 हो जाएगा माइनस x2 डिफरेंशिएशन होता है 2x इक्वल टू देखिए a स्क्वायर कांस्टेंट है ये बाहर हो गया * y स्क्वायर का तो y स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y और x के स्क्वायर डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक x स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x तो y स्क्वायर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y और y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसलिए dy बाई डी एक्स होगा। आगे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ये जगह 2x इंटू डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 2y इंटू डीवाई बाई डी एक्स। अब दोस्तों देखिए यहां पे इसको हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट में ले आते हैं, इसको लेफ्ट में ले आएंगे ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ये जगह डीवाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2y इंटू डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब दोस्तों देखिए जो हम लोग प्रूफ करना है यहाँ पे देखिए क्या है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डीवाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या है 0 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये रहा, ये बीच में नहीं होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या है x इंटू डी वाई डी एक्स यहाँ पे देखिए x इंटू ये एक डी वाई डी एक्स होना चाहिए ओके। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई ये माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई यहाँ पे क्या बचा देखिए यहाँ पे 2 इंटू डी वाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 2 इंटू डी वाई डी एक्स नहीं होना चाहिए और यहाँ पे देखिए 2 इंटू डी वाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। तो 2 इंटू डी वाई डी एक्स हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे बोथ साइड, लेकिन यहाँ पे डिवाइडिंग लेकिन यहाँ पे डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स वी गेट देखिए 2 इंटू डी वाई डिवाइड करें क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू डीवाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसके नीचे में हो जाएगा 2 इंटू डीवाई बाई डी एक्स सारे टर्म 2 इंटू डीवाई डी एक्स डिवाइड करेंगे यहां से ये कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस ये 2x इंटू ये डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इसके नीचे में हो जाएगा 2 इंटू डीवाई बाई डी एक्स यहां से कैंसिल होता है 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा ये डीवाई डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 2y इंटू डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है यहाँ पे इसके नीचे में क्या हो जाएगा 2 इंटू डीवाई बाई डी एक्स ठीक है 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स से डीवाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या बचा बताइए ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स देखिए आप माइनस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 यही दोस्तों हम लोगों को प्रूफ करना था। ये दोस्तों सेकंड मेथड हो गया ठीक है जो प्रूफ करना उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं।
आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछिए। वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोग रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट कर जरूर बताइए कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।